चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ में राव साहब शेखावत साहब, नमस्कार, आपका स्वागत है। अभी आप चुनाव की कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरी की पूरी आपके विधानसभा क्षेत्र में, क्या यह आपकी भी चुनाव में खड़े रहने की ट्रायल है? एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्रायल तो है ही, और अब हम लगे हैं इसमें। अभी तो मेरा चुनाव से ज्यादा अभी ये जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है इस पर पूरा ध्यान है कि कैसे हमारे आघाड़ी की उम्मीदवार को कैसे चुन के ला। चुनाव जहाँ तक मेरी बात है वो तो आगे वाला मुद्दा होगा, लेकिन आज की तारीख में ये सारा जो कुछ हो रहा है यहाँ कि किस तरह से अमरावती में बदलाव लाया जाए, तो ये परिवर्तन वाला चुनाव है। आप पूरा पंजे से कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करते हो, क्या बोल के किस प्रकार से उनको कन्विंस करते हो? उम्मीदवार आपने समर्थन दिया है, आपके उम्मीदवार है नहीं, सवाल तो लोग पूछते होंगे तो आपके उम्मीदवार नहीं हमें क्यों देखा गया? नहीं, वो तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई उनका चुनाव चिन्ह जो है वो पाना है, और पाना चिन्ह है राष्ट्रवादी ने जो दिए हुए तीन जो उम्मीदवार है मित्र पक्ष को, उसमें से एक श्रीमती नवनीत राणा, इनको दिया है। लेकिन वो पाने के पीछे पंजा है और घड़ी है, तो हम तो लोगों को बताते हैं कि घड़ी समय बताती, पंजा पाने को पकड़ता है और पाना अपना काम करता है। चाहिए आपने इस टाइप से उसका पूरा ये बना के रखा, तो लोगों में एक मैं जानना चाह रहा कि जो लोग कांग्रेस के हैं, राष्ट्रवादी के, एक विचारधारा के, उनको थर्ड पर्सन की तरफ कन्विंस करने में क्या आसानी रहती है कि कुछ प्रॉब्लम जा रही है? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं जा रही, मेरे प्रचार में तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग तो अभी हम खुद ही मैं मीटिंग में पूछ लेता हूँ, फिर बताओ क्या नवनीत भाभी इनका क्या चिन्ह है, तो लोग तुरंत चिल्लाना शुरू करते हैं पाना पाना पाना, तो अब लोगों को पता चल गया है। मुझे लगता नहीं कि कोई चिन्ह को लेके कंफ्यूजन है, होगा 2-4%, लेकिन कोई बड़े ज्यादा नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर पूरा ऐसा प्रचार किया जा रहा है मोदी को प्रधानमंत्री वापस बनाना है। इस समय अमरावती शहर में पंजा चुनाव चिन्ह नहीं है, घड़ी चुनाव चिन्ह नहीं है। मैं चुनाव चिन्ह के लिए इससे बोला कि लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो, आप जो उसका प्रचार जिस प्रकार से प्रचार कर रहे हो कि भाई अपने पंजे का पाना यानी पंजा पाना यानी राष्ट्रवादी, तो ऐसे समय में लोगों को कोई कन्विंस करना, और क्या लोग कन्विंस हो पा रहे मोदी के अगेंस्ट में? क्योंकि यह गढ़ पूरा पहले कांग्रेस का रहा हुआ है, यानी लोकसभा मतदार संघ भी और अमरावती विधानसभा क्षेत्र भी, बाकी भी विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का ज्यादा यहाँ पे प्रभाव रहा, लेकिन कांग्रेस का चुनाव चिन्ह नहीं होने से यहाँ पे सीट आ रही, क्या वह चीज यहाँ पे अभी वापस आपको तकलीफ नहीं देगी? मैं चुनाव चिन्ह पे इसलिए आपको बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि जब तक पंचायत चुनाव चिन्ह यहाँ था यहाँ सीट कभी नहीं आ रही, एक सुधाम काका का टर्म छोड़ के आखिरी उम्मीदवार यहाँ से ताई साहब थे, ताई साहब चुन के भी आए, तो चुनाव चिन्ह का फर्क कैसा उसको आप कर पाते वापस? कि वही प्रश्न आके पंजे, मैंने जैसे कहा आपको पाने को लेकर के कंफ्यूजन लोगों में नहीं है, और जहां तक आप पंजे की बात कर रहे हैं तो पंजा तो प्रख्यात है, पंजा तो लोग तुरंत पहचान लेते हैं, और पंजा होता तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा फायदा होता, उसमें तो कोई शक नहीं। और अभी क्या लोगों के सामने आप चुनाव चिन्ह का, चलो आपने बता दिया क्या ये लेके जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे आने के बाद में, क्या इनके दिए हुए शब्द आपके पार्टी को भी लागू रहेंगे, कोई चीज कमेंटमेंट कर देंगे पैसा करने, जैसे घोषणा पत्र वचननामा जाहिरनामा जो भी होते हैं वो उनका रहेगा कि साथ में आपके पार्टी को? निश्चित रूप से वो बंधे हैं, राष्ट्रवादी से बंधे हैं, और जो भी काम के या कार्य के बारे में आप बता रहे, तो बड़े नेता ऊपर बैठे हैं, जैसे मैंने भाषण में कहा कि ऊपर यहाँ शरद पवार साहब है, हमारे नेता राहुल जी गांधी बैठे हैं, मैडम सोनिया जी है, राज्य में अशोक राव चव्हाण है, अजीत दादा पवार है, तो ये इन्होंने, इनको राज्य कैसे चलाना है, निर्णय कैसे लेना है, विकास कैसे करना है, इनके लिए कोई नया मसला तो है नहीं। तो उम्मीदवार की जहां तक बात है, अगर ये सीट हमारी आती है तो हमारे नेताओं के हाथ मजबूत होते हैं, तो जो आपकी जो राष्ट्र जीती रहेंगे वो इनको भी लगे, क्योंकि अभी एक चर्चा यह चालू है कि अपक्ष उम्मीदवार है, इनका कोई ऊपर माई बाप नहीं है, जैसे इलाहाबाद सरी की है, तो इनको यदि कुछ करना है तो पार्टी कितना सहयोग, ये आम चर्चा चालू, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनका राष्ट्रवादी कांग्रेस जो भी जितने भी आपके अलायंस है जो आपका मैनिफेस्टो रहेगा वो इनको लागू रहेगा कि इनका एक अलग बनाए, या कोई अमरावती के लिए आपने ऐसा प्रोजेक्ट
किया कि भाई ये चीज इनको करेंगे ऊपर, क्योंकि लोग पूछते आने के बाद में आप क्या करेंगे, तो क्या जवाब है आपका? नहीं नहीं, जो पार्टी मैनिफेस्टो है उससे वो बंधे हैं। पार्टी मैनिफेस्टो राष्ट्रीय, जैसे अमरावती के लिए कुछ बोलना था, क्या प्रोग्राम है कि आप भी इनके साथ? अमरावती में तो देखिए विकास के काम तो करते हैं, मैनिफेस्टो तो डिक्लेयर हो चुका है, कांग्रेस का भी है, एनसीपी का भी है, और हमारा सेक्युलर मैनिफेस्टो है, जनता का हित का है, सेक्युलरिज्म है ब्रॉडली कहा जाए तो। और जहां तक इनको लोकल विषय है यहाँ के, वो तो मैनिफेस्टो में विकास के अनुसार तो आई है। जैसे मैंने कई मुद्दों पर बात की कि हमने यहाँ कई सारे विकास के काम किए और फिर वो अधूरे रह गए, वो पूरा करने का काम हमारी पार्टी सत्ता में आती है तो उसके माध्यम से होंगे, तो वो बेशक उन कामों को पूरा करना है। चुनाव में जातिगत समीकरण इस बार काम करेंगे, जहाँ ऊपर का सवाल है कि मोदी एक शरा, मोदी के जो लोग हैं वो देश प्रेमी हो गए और मोदी के विरुद्ध देशद्रोही हो गए, दो अभी जो वोटर्स की श्रेणी हो गई है, तो जो बाकी जातिगत समीकरण थे भाई, अल्पसंख्यक है, मराठा समाज है, हिंदी साइडर है, दलित लोग है, इन सबका क्या फर्क पड़ेगा चुनाव पे? का वही देश प्रेमी और देशद्रोही से लेकर चलेगा। नहीं, आप ये बताइए कि हम देशद्रोही कैसे हुए? नहीं, लोग बोलते हैं, हम नहीं, लोग बोलते हैं, आप हम नहीं, आपकी नहीं, हाँ। जो भी सरकार के खिलाफ है। वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा जी गांधी ने इस देश के लिए अपने प्राण दिए, हमारे नेता राहुल राजीव जी ने इस देश के लिए प्राण दिए, तो ये तो प्राणों की आहुति देने वाली हमारी पार्टी है इस देश के भले के लिए। और जहां तक शरद पवार साहब ने, उन्होंने किसानों के लिए, युवाओं के लिए, विकास के लिए, डिफेंस के लिए कई सारे बड़े बड़े निर्णय लिए। उन्होंने तो महिलाओं को डिफेंस फोर्सेस में लाया, आर्मी में 11% रिजर्वेशन किया, तो ये जो मान महिलाओं का सक्षमीकरण है, आर्मी में महिलाओं का सक्षमीकरण किया। कांग्रेस का ही ये फैसला था कि महिलाओं को लोकल बॉडी इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन देना, ये भी निर्णय कांग्रेस का ही था। कई सारे जो मनरेगा हो गया, ये विकास के सारे जो जो बातें हैं, संजय गांधी निराधार योजना है, या बाबा साहब अम्बेडकर सामाजिक न्याय भवन में जितने कुछ स्कीम चलती है, ये तो कांग्रेस के जमाने की है। तो ये मुझे देशद्रोही वाली बात तो मैं बिल्कुल ही मेरे गले नहीं उतरती। और दूसरा क्या सवाल है आपका? नहीं, जाति समीकरण आपने पूछा, जाति समीकरण के बारे में सोजतिया साहब, ऐसा है कि इस बार जाति से होता है, जाति का विषय होता है मैं मानता हूं, लेकिन इस समय किसान जो है वो जाति छोड़ के वो खुद परेशान है। मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे कोई किसान वो मराठा हो, कोई माली हो, कोई तेली हो, किसान सब सब रहेगा, किसान है। और वो किसान को जो तकलीफ है, जो मराठा किसान को तकलीफ है, वही माली किसान को तकलीफ है। तो ये जो इस गवर्नमेंट के समय न तो अतिवृष्टि का कॉम्पेंसेशन मिला, ना अकाल का कॉम्पेंसेशन मिला, ऊपर से इतना ज्यादा वो आपके क्या कहते हैं कंप्यूटराइजेशन कर दिया कि वो एक मुसीबत हो गई, नोटबंदी कर दी ऊपर से। वो किसान के पास आप बताइए, वो मेहनत करके दो पैसे कमाता है, खेती में लगाता है, बोलते हैं तुम्हारा भी दो नंबर है, वो भी उसको भी कागज बना दिया, पूरी इकोनॉमी एक तरह से पीछे गई है। मेरे ख्याल पहली बार जीडीपी अपना इतना लो पे चला गया है, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट थी कि पिछले 20 वर्षों में इतना नीचे रही है। और जहां तक युवा है वो भी किसी भी जाति का हो, वो बेरोजगार है, वो नौकरी चाहता है, वो कोई भी जाति का हो, समाज का हो, नौकरियां है का। आपने युवा का प्रश्न उठाया, 2 लाख नए वोटर्स है इस साल, करीब हर साल 10% के आसपास, 8-10% नए वोटर्स बढ़ते हैं। नए वोटर्स जनरली ये कि जिन्हें पहली बार अभी चुनाव जो देने जा रहे हो, इसके बारे में आपसे पूछूंगा, नए वोटर्स को आप किस प्रकार से प्रभावित करेंगे? एक छोटे सा एक ब्रेक ले लेते 2 मिनट का, इसके बाद में। ब्रेक के बाद में
पिछली बार की जो सरकार थी, मैंने जैसे बताया कि युवा भी हर साल 8-10% वोटिंग करते हैं, युवा का जो वोटिंग देने का रहता है भ्रष्टाचार से भारत है। पिछली सरकार जो आपकी गई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई थी पूरी, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना उस समय प्रचारित हो गया था रामदेव बाबा केजरीवाल ना के कारण कि सरकार को उस कारण जाना पड़ा। क्या इस बार भी वो मुद्दा ही रहेगा वापस? क्या ये सरकार भी भ्रष्टाचार आपको लगती किया है करके आप किस मुद्दे से चुनाव मांगने जाओगे नए वोटर से? देखिए ना, राज्य में और केंद्र में भाजपा की सरकार आई और सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नेता राहुल जी गांधी ने उठाया वो रफाल को लेके। रफाल के जो हवाई जहाज है वो कांग्रेस के समय निर्णय हो गया था कि एक हवाई जहाज 550 करोड़ का बनता है और उसे लेना है। जैसी सरकार बदली, एक साल डेढ़ साल के अंदर उसकी कीमत 1550-1600 करोड़ कैसे हो सकती है? जो हो चुका है किस तरह का हवाई जहाज होगा, क्या फायरिंग सिस्टम होगा, कौन से मिसाइल्स होंगे, क्या उसमें एवियोनिक्स होगा, ये सारा फाइनल होने के बाद उसकी कीमत इतनी बढ़ ही नहीं सकती। और ये बार बार राहुल जी ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से फाइल खोल दी है। पिछली बार कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं मामला ठीक लग रहा है, लेकिन अब दोबारा से जांच के आदेश दे दिए क्योंकि ये सारा पेपर से इसके दायरे में है। बिल्कुल बिल्कुल दायरे में है आप जो आप कह रहे हो और मैं जो कहना चाह रहा हूँ वही बात है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि यहाँ बैंक्स, हमारी नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइजेशन भी बैंकों का इंदिरा जी ने लाया। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, पहले साहूकारी थी और बहुत लूट मची रहती थी, अनाप शनाप परसेंटेज ले लेते थे ब्याज का। अब तो नेशनल राज, हम भूल गए, युवा पीढ़ी को पता नहीं है कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो इंदिरा जी ने लाया था। अब नेशनलाइज बैंकों को लूट करके कैसे क्या ये जो है अब चोकसी है, फिर उसके बाद में नीरव मोदी है, फिर आप मल्लया है, वो कैसे क्या चले जाते हैं और लंदन अमेरिका वहां जाके अपना हेवन बनाते हैं, उसको बना के बढ़िया टीवी पे आते हैं और इंटरव्यूज देते हैं कि भाई हम इंडिया वापस नहीं आना चाहते, इंडिया को लूट के खाली करके ले गए खजाना, और ये सरकार तो खजाना वापस लाने वाली थी। तो जो जिस समय उतना प्रचार जिस ढंग से कांग्रेस के खिलाफ हुआ उतना आप अभी प्रेजेंट कर नहीं पाए वर्तमान कांग्रेस में कि ये भी उतने हैं, लोगों में वो बात नहीं आई कि कांग्रेस के साथ में हो जाए और मोदी के खिलाफ। आज भी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी के बारे में किसी को कुछ बोलो तो एकदम वो युवा भी आ जाता था। युवा को कैसे आकर्षित करेंगे, आपके पास क्या बताने को? भाई हमने, आपने जैसे बताया नेशनलाइज हमने किया वो सारा हमने किया, युवा को कैसे बता, क्योंकि वो अभी 18 साल में ये सारे काम हम बता रहे 30-35 साल के पहले के, हमने 40 साल पहले के, हमने देश को किस तरह से यहाँ तक के लेके आया था, उनको कैसे? नहीं, जो कहा जा रहा है मोदी जी है तो मुमकिन है, ये 5 साल लोग रुके ना इस बात के लिए, ये जो मुमकिन को मुमकिन बनने के लिए, वास्तविकता में आने के लिए लोगों ने 5 साल राह देखी। न तो नौकरियां आई, महंगाई हो गई, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, यहाँ उद्योग धंधा नहीं है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, सब कुछ देख लिया लोगों ने, कुछ होना नहीं है, जिले में तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अमरावती, चलिए हमारे शहर की बात करते हैं, अमरावती स्मार्ट सिटी बनना था, हमारा तो उसमें समावेश भी नहीं हुआ स्मार्ट सिटी में, और आज आप देख रहे हैं सड़कें सारी करीब 80% सड़कें खोद दिए, और ऐसी अवस्था है कि पहले जाने को जहाँ 10 मिनट लगता था अब आधा घंटा लगता है। कई सारे जगह वो सीमेंट की सड़कों से सरिये निकल रहे, बड़े बुरे बुरे एक्सीडेंट्स हो रहे। तो ये काम फेस बैनर में प्लानिंग से करना था, इस तरह से एक साथ बिल्कुल इसको खोल के रखा। तो इन सब चीजों का एक विरोध जो होना चाहिए वो भी तो उतना पावरफुल विरोध भी, अब अमरावती की बात ले रहे कहीं पावरफुल, इतना सारा प्रॉब्लम पूरा दिख रहा है, कहीं विरोध नहीं किसी, सब चीज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। सोचे दिया जी, विरोध सुप्त है, लोगों के दिलों के अंदर है, और ये आपको मतपेटी में दिखेगा, मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम जहाँ जहाँ जा रहे सभा हो रही है, मैं उन लोगों के, हम जो फेस रीडिंग करते हैं तो लोगों, लोग बोल नहीं रहे हैं लेकिन लोग त्रस्त, फिर व्यापारी से, व्यापारी से क्या अमरावती के लिए आने वाले खासदार से आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी खासदार ने क्या करना चाहिए? आने वाले खासदार से ये अपेक्षा है कि देश के माजी राष्ट्रपति प्रतिभाजी पाटिल ने यहाँ जो जो प्रोजेक्ट लाए, जिनमें से जो प्रोजेक्ट पूरे हो गए, जैसे रेलवे स्टेशन, फिनले मिल तो पूरे हो गए, पर जो प्रोजेक्ट पूरे होने हैं उसका जी मिसाइल कारखाना हो गया, रेलवे वैगन कारखाना होगा, उसका फॉलो अप ले
क्योंकि बिना फॉलोअप के कोई काम नहीं होता। आज आप महाराष्ट्र की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, हमारी उम्मीद है कि ये हमारा जो खासदार है वो इसको तगड़ा फॉलोअप लेके इसको पूरा। रोजगार के लिए कोई योजना आपकी? सर्टनली रोजगार के लिए MIDC यहाँ है, एक दो इंडस्ट्रीज आई है, हमारे पास इतना बढ़िया लैंड है, वाटर है, पानी भी है हमारे पास में, तो यहाँ तो उद्योग और ज्यादा आकर्षित कर रहा है इंडस्ट्री को जा रहा पूरा। नहीं, वो जो उसको जो जा रहा है, जो आप कह रहे हैं वो पावर जनरेशन के लिए जो जा रहा है, वो तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि जो कोटा आज की तारीख में उस समस्या का जो शॉर्ट हल मुझे दिखाई दे रहा है वो है जितना कोटा दिया गया है उससे ज्यादा एक बूंद ना दी जाए। और ये गर्मी के समय तो कोटा नहीं है, पानी 19% बचा हुआ, नहीं तो फिर प्रायोरिटी बचा हुआ है। चंदू जी, गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी पहले से ही तय की है कि पानी जो भी अवेलेबल है उसमें सबसे पहले ह्यूमन वाटर कंजम्पशन को जाएगा, फिर जानवरों को जाएगा, खेती को जाएगा, और फिर अदर एक्टिविटीज को जाएगा। ये क्रम हरगिज नहीं टूटना चाहिए, इसी क्रम से पानी देना है। तो उसका फॉलोअप कौन लेगा? क्योंकि क्या होता है, अभी क्या होता है, जैसे मुझे पीने का, आपने बोल दिया एक दिन के 8 दिन मैं कुछ नहीं कर सकता, 2 दिन के 8 दिन मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंडस्ट्री को पानी नहीं दिया तो वो उनका पैसा भी नहीं देंगे और उसके लिए सारे प्रयास कर लेंगे। तो जनता की तरफ से तो आप लोगों की होना बात करने का, वहां पर तो जनता की अभी 1 दिन के 8 पानी आ रहा, किसने आवाज उठाई? कुछ नहीं, 1 दिन के 8 पानी चल रहा है। नहीं, आवाज उठाने का काम जो है वो जनप्रतिनिधि का है, वो खासदार का है, वो आमदार का है, वो मंत्री का है। नहीं, सत्ता में बैठा खासदार आमदार नहीं करता है तो क्या आपने जैसे पिछले चुनाव आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते? हम विपक्ष की भूमिका निभाई, जब सड़कों का ये हाल हुआ हम रोड पे आए, जब महंगाई में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हम कलेक्टर ऑफिस में धरना देने गए, उसके बाद में जब शहर ये व्यापारियों का समस्या हुई तब हमने शहर बंद करने के लिए मैं खुद मोटरसाइकिल पे 40 किलोमीटर घूमा, हमने जाके बंद किए। मैं वही पूछ रहा हूं, अभी आप हमने चुनाव हार भी गए लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी तो बनती है जो काम नहीं हुआ वो कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन एक है कि रोज रोज आंदोलन करो, रोज रोज सड़कें बंद करो और जनता को परेशान करो, ये हमारी कांग्रेस का भी विपक्ष की भूमिका में पूरा यही नहीं हो पाया। नहीं, इससे ज्यादा ये हमारी फिलोसॉफी नहीं है, हमारी फिलोसॉफी है पहले आप अधिकारियों के पास जाओ, सत्ताधारियों के पास जाओ और लोगों का समस्या हल मांगो, जनता को क्यों परेशान करना है, सड़क पे धरना देके बैठ जाओ, रोड बंद कर दो, फिर पत्थरबाजी करो, मुझे लगता है ये हल नहीं। हाँ, अगर हल सही तरीके से नहीं निकलता है तो फिर आंदोलन के अलावा पर्याय क्या? एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे आप वोटर्स को कि किस प्रकार के कैंडिडेट को? मैं वोटर्स से आपके चैनल द्वारा आपको धन्यवाद देता हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके चैनल के द्वारा मैं सारे व्यूअर्स को, खास करके अमरावती जिले के सारे मतदाताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि परिवर्तन लाइए, हमको परिवर्तन चाहिए, और एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल है, और परिवर्तन होने के बाद ही जो है नई ऊर्जा से फिर से यहाँ के प्रोजेक्ट को हाथ लगाया जाएगा, यहाँ के विकास को हाथ लगाया जाएगा, और हम बिल्कुल पूरी ताकत के साथ साथ में हैं। और जहाँ तक उम्मीदवार नवनीत राणा की बात है तो उनकी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, RPI, राष्ट्रवादी, शेतकरी संगठन, ऐसी 50 पार्टियाँ हैं, हम सब उनके साथ।